2, 3, 2, 4 इज इट बेटा? आप लोगों ने कहा अगर ए कोई सेट है बी कोई दूसरा सेट है, सर दिस ए क्रॉस बी इक्वल टू 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 इसके बाद बेटा मैंने इसका कोई सबसेट लिया, सपोज आके मैंने इसका सबसेट लिया आर इज इक्वल टू 1, 3 और 1, 4 इसका नाम आपने रखा सपोज आर वन भाई, इसके बाद आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया आर टू, आपने कहा सर उसमें एलिमेंट है 2, 3 और 2, 4 ठीक। तीसरा बेटा आपने कहा सुलेमान आर थी, सर मैंने लिया 1, 3 और 2, 4 इज इट। आपने कहा सर आर फोर कोई सब्जेक्ट लिया मैंने इसका 1, 4 और 2, 3 से इज इट। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ना ये R1, R2, R3 और R4 क्या है, तो आपका आंसर होगा सर ये सारे रिलेशन है। मैंने पूछा क्यों, आपने कहा ए बी का कोई भी सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। अब थोड़ा दो मिनट सोचना, जो मैं कह रहा हूँ जो ये वाली है ना इट इज रिलेशन एग्जैक्ट, और जो ये वाली है ना इट इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन, अभी तक सभी क्लियर? लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इसमें R3 और R4 है ना ये रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कहते हैं। अब कुछ समझो, आप लोग एनालाइज कर लो, ये जो दो है ना पहले दो बेटा चारों के चारों रिलेशन है, चारों के चारों, लेकिन जो लास्ट के दो है ना ये रिलेशन भी है फंक्शन भी है। हाँ ठीक बोलो बोलो सेट ए कोई एलिमेंट, सेट बी कोई एलिमेंट, सर ये एक्स एक्स सेम वाई थे वाई सेम और कुछ? सर एक्चुअली जो पहली रिलेशन आपने लिखी ना उसमें फर्स्ट कार्डिनल रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी वन यहाँ पर भी वन, थोड़ा ध्यान से देखना साकिब। आपने कहा अगर सर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस ऐसे लिखेंगे, पहला जो रिलेशन आपने लिखना आर वन, आपने कहा एक्चुअली सेट ए है उसमें आपने लिया एलिमेंट वन, और सेट बी है दूसरा उसमें आपने लिया एलिमेंट कितना साकिब? थ्री और फोर है ना बेटा। आपने कहा वन की इमेज थ्री है, वन की इमेज फोर है, इज़न्ट इट। जो आर टू आपने रिलेशन ली साकिब उसमें क्या कहा आपने, लिया एलिमेंट टू और यहां से कहा सर इसकी इमेज थ्री और फोर है, ये भी थ्री और ये भी फोर के साथ, ठीक है ना। जो बेटा आपने आर थ्री लिया ना, आपने कहा आर थ्री में क्या है बेटा वन और टू लिया, यहाँ से लिया थ्री और फोर शायद है ना, आपने कहा वन की इमेज थ्री टू की इमेज फोर। और जो बेटा आपने आर फोर लिया ना साकिब बोलना उसमें क्या लिया आपने वन और टू और यहाँ पर लिया आपने फोर का मत लिया, आपने कहा वन फोर के साथ टू थ्री के साथ, देखना। आपने कहा सर जो लास्ट के दो है ना फर्स्ट कार्डिनल डज नॉट रिपीट, फर्स्ट कार्डिनल यहाँ पर वन की इमेज क्या है फोर, यहाँ पर टू की इमेज क्या है थ्री, तो डिफरेंट एलिमेंट जो एलिमेंट ए में है ना ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। यहाँ देखना आपने कहा यहाँ पर वन की इमेज क्या है और वन की इमेज क्या है, तो यहाँ पर आपने कहा वन की जो इमेज है ना वो एक से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। जो फंक्शन है ना फंक्शन हम उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें फर्स्ट कार्डिनल डज नॉट रिपीट, जिसमें पहला कार्डिनल रिपीट मीन्स यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है वन, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है तो टू, डिफरेंट वैल्यू को तो डिफरेंट इमेज है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। थोड़ा दिमाग में आया? तो बेटा आपने कहा जो फंक्शन है ना इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच फर्स्ट कार्डिनल डज नॉट रिपीट्स, इन विच फर्स्ट कार्डिनल डज नॉट रिपीट्स, सच अ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन। मैं एक और एग्जांपल दूंगा तो यू विल गेट द थिंग्स। मेरे पास बेटा एक सेट दिया है सुलेमान लाइक दिस 1, 2, 3 और दूसरा सेट दिया है साके मेरे पास ए कामा बी, तो मुझे बोलना बेटा आप ए क्रॉस बी क्या आएगा आप लोगों का 1, 2, 3, 3, 3। आपने कहा सर जो है ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है और सर ये रिलेशन भी है क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मुझे आप में से कोई बताइए फंक्शन है? आपने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों? आपने कहा सर यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट वन है, यहाँ पर ये हुआ फर्स्ट कार्डिनल रिपीट हो रहा, यहाँ पर सर फर्स्ट कार्डिनल टू और टू दूसरे बार भी रिपीट हो रहा, तो ये फंक्शन। अब मैंने नीचे लिखा आपको कोई सबसेट, मैंने कहा उसका नाम है आर, मैंने लिखा वन कामा ए, मैंने लिखा टू कामा ए, मैंने लिखा थ्री कामा ए। मैंने आपसे पूछा क्या ये फंक्शन है? आपने कहा हाँ सर दिस इज अ फंक्शन। मैंने कहा क्यों? हाँ, तो आपने कहा फर्स्ट कार्डिनल डज नॉट रिपीट, सेकंड कार्डिनल पे कोई टेंशन नहीं। आपने कहा फर्स्ट कार्डिनल डज नॉट
क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्डेड वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, तो जब फर्स्ट रिकॉर्डेड रिपीट नहीं होगा सच ए रिलेशन इज नोन एज फंक्शन. इसका मतलब है साकिब कि एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज ए डिफरेंट इमेज इन बी, मींस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन सेट बी. जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट पर एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसमें? बी में. मींस फर्स्ट रिकॉर्डेड शुड नॉट बी रिपीटेड. तो बेटा आपने कहा दिस टाइप ऑफ फंक्शन, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन. तो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज फंक्शन, तो आप कह रहे हैं कि फंक्शन इज एक्चुअली रिलेशन, व्हाट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. इस पे कंडीशन क्या है? फर्स्ट रिकॉर्डेड डज नॉट रिपीट. या आप ऐसे कह रहे हैं इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अगर आर एक रिलेशन है कहां से? सेट ए से सेट बी तक. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन. एक बार एग्जांपल ताकि सभी को क्लियर हो जाएगा. देखना बेटा एक बार बात, जो हमारा टॉपिक है क्या है? टॉपिक फंक्शन. फंक्शन का दूसरा नाम है मैपिंग. देखना सभी लोग ध्यान से. हमारे पास बेटा अगर एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी. अगर हमारे पास दो सेट्स है, सेट ए और सेट, सपोज आप लोगों ने कहा सेट ए में है वन टू थ्री और फोर, और सेट बी में एलिमेंट है सपोज सर ए और बी. अगर मैं आप में से किसी को पूछूंगा ना ए इंटू बी निकाल के दो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप लोगों का आंसर होगा सर वन कामा ए वन कामा बी, टू कामा ए टू कामा बी, थ्री कामा ए थ्री कामा बी, फोर कामा ए और फोर कामा बी. दिस विल बी योर आंसर, है ना. अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज, आप लोग कहेंगे इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. आप में से कोई कहेगा सर दिस इज रिलेशन एज वेल. मैंने पूछा क्यों? क्योंकि ए का बी का कोई भी सबसेट जो होगा ना दैट इज कॉल्ड रिलेशन, है ना. तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन, इजंट इट. अब आपने कहा सर, आपने इसमें कंडीशन लगाया, आपने कहा हमारे पास एक सबसेट है इसका दैट इज वन कामा ए दैट इज टू कामा बी दैट इज थ्री कामा ए एंड दैट इज फोर कामा बी. मैंने पूछा आपसे व्हाट इज दिस, आप लोगों ने कहा इट इज रिलेशन. लेकिन बाद में आप लोगों ने कहा सुनो इट इज ऑल्सो फंक्शन. कहा क्यों? क्योंकि आपने कहा सर फर्स्ट रिकॉर्डेड कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर फर्स्ट रिकॉर्डेड वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर पर रिपीट नहीं हो रहा. दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज फंक्शन. तो आपने कहा जो ये फंक्शन है ना, फंक्शन का जो दूसरा नाम है दैट इज मैपिंग. तो आपने कहा सिंपल वर्ड में इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. तो जब आपने कहा ना इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, मैंने पूछा किस टाइप में, आपने कहा सिंपल सच टाइप ऑफ रिलेशन इन व्हिच फर्स्ट डिपार्टमेंट डज नॉट रिपीट. जिसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट डज नॉट रिपीट, कोऑर्डिनेट डज नॉट रिपीट. या दूसरा पॉइंट आपने कहा कि सुलेमान आपने कहा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच फर्स्ट कार्ड डज नॉट रिपीट्स. या दूसरा पॉइंट आपने कहा इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी. देखना बेटा जैसे आप लोगों को अपने टीचर्स कहते थे एट्थ नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास में, एक्चुअली आपके पास रहता है सेट ए और दूसरा रहता है साकिब आपके पास सेट बी. आप कह रहे हैं कि सर जो ये एक्स है ना, ये मेरे पास एलिमेंट है सेट ए में, और यहाँ पर मैंने मिरर रखा उसका नाम क्या रखा एफ. आपने कहा जो वाई है ना वाई, ये एक्स की इमेज है. वाई किसकी इमेज है? एक्स की. जो है ना सपोज अभी आपके पास मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसमें देखा इमेज किसकी देखी? मेरी. किसमें देखी? मोबाइल में. यहाँ पर आप कह रहे हो कि जो एक्स है ना, एक्स की इमेज क्या है? वाई. वाई किस मिरर में? एफ. इसलिए आप कह रहे हो कि जो वाई है ना ये इमेज है एक्स की, मिरर का नाम है. इसलिए आपको टीचर कहते थे वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स. तो बेटा आपने कहा जो एक्स है ना इसकी इमेज क्या है? वाई. मिरर का नाम क्या रखा? वाई. तो मुझे बताना जो यहाँ से यहाँ तक है ना, अभी जो ये रिलेशन कहते हैं ए से बी तक सुलेमान, इट इज फंक्शन. मैंने पूछा आपसे क्यों, आपने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी. अब आप दो से
ये क्वेश्चन है, मेरे पास सेट ए दिया है, मेरे पास सेट बी दिया है, इसमें जो है 1 2 3, इसमें जो है 4, 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की, इज दिस अ फंक्शन? यस सर. यस, because every element of this set A has unique image in set B. क्योंकि फर्स्ट कार्डियल रिप्रेजेंटेशन आपने कहा रिलेशन बन गई 1, 4, 2, 4, 3, 4, सर दूसरे के साथ हमें कुछ भी नहीं है, फर्स्ट कार्डियल के साथ हमें रिलेशन है. ओके, राइट डाउन दिस सर. कौन लास्ट?